कक्षा में भाषा सीखने से संबंधित कौन सा विचार उपयुक्त है सभी को उत्तर बताना है चार विकल्प हैं कक्षा में चार में से एक का चयन करना है चलिए तो सभी लोगों को उत्तर बताना है चार विकल्प में से एक का चयन करना है और आज का जो प्रश्न है कि एक बहुसंस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने से संबंधित कौन सा विचार उचित है तब सभी लोग उत्तर बताएंगे जी तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा बहुत बढ़िया आंसर यानी विकल्प नंबर एक का जो आपका होगा बी बी जिन्होंने भी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है ठीक है एक नंबर प्लस कर लें बी वाले अगला क्वेश्चन देखते हैं एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग बच्चों को किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करने देता भाषा सीखने की प्रक्रिया को धीमी करता है संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है या फिर भाषा सीखने में बाधक है तो हमारा प्रश्न क्या है एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग चार विकल्पों के माध्यम से एक विकल्प का चयन करना है सभी लोग चयन करेंगे और उत्तर बताना है चलिए तो बहुत सारे लोग उत्तर बता रहे हैं प्रश्न क्रमांक दो का अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है बहुत बढ़िया आंसर सी नंबर आपका बिल्कुल सही है सी नंबर संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है जिन्होंने भी सी बताया है उनका एक अंक और प्लस हो जाएगा यहाँ पर है ना आपको पूरा का पूरा उत्तर बताना है और लास्ट में आपको नंबर भी बताने हैं कृष्ण कितने प्रश्न आपने अटैम्प्ट किए हैं और कितने नंबर आपके आए हैं मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ इसलिए मैं चार विकल्प हैं चार में से उत्तर बताएंगे भिन्न भिन्न भिन भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हूँ बच्चों को कई भाषाओं की कविताओं का गान करवाती हूँ श्याम पट पर हिंदी भाषा के शब्दों के दो के अर्थ दो भाषाओं में अवश्य लिखती हूँ या सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ तो बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ इसलिए मैं क्या करती हूँ प्रश्न क्रमांक तीन का उत्तर सभी लोगों को बताना है और उत्तर जो आपका हो जाएगा वो क्या होगा मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता का बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ इसलिए मैं क्या होगा बहुत बढ़िया डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा जिन्होंने भी डी उत्तर बताया है उनका राइट आंसर है डी नंबर वाले बहुत बढ़िया एक प्लस कर लें अपना है ना प्रश्न क्रमांक तीन का उत्तर होगा डी तब बंगला क्वेश्चन देख लेते हैं मातृभाषा में शिक्षा से कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होती है शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता या फिर बेहतर बेहतर परिणाम निकलेंगे या उपरोक्त तो सभी तो मातृभाषा में शिक्षा से क्या होगा हमें बताना है चार विकल्प आपके सामने मौजूद हैं और चार में से एक का चयन हमें करना है सभी लोग चयन करेंगे आपका नंबर प्लस होगा है ना तो सभी लोगों को फटाफट भट से बताना है प्रश्न क्रमांक चार का उत्तर बहुत बढ़िया आंसर तब सभी लोगों ने उत्तर बताया उपरोक्त तो सभी यानी कि डी नंबर जिन्होंने बताया है वो अपने स्कोर में प्लस एक करते जाएँ ठीक है जिनका भी उत्तर सही आ रहा है वो अपना प्लस करते जाएँ और अंत में आपको स्कोर भी बताना होता है हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदी तरभाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नजर नहीं आता अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है या फिर उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है तब सभी लोगों उत्तर बताना है उत्तर क्या होगा उत्तर क्या है चार विकल्प हैं और चार में से एक का चयन सभी को करना है आपका आंसर क्या हो जाएगा चलिए बहुत सारे लोगों ने उत्तर बताया है प्रश्न क्रमांक छ का डी बताया है कि उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है डी नंबर आपका सही है जिन्होंने भी डी बताया है उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य क्या है प्रश्न क्रमांक सात का उत्तर सभी लोगों को बताना है त्रिभाषा सूत्र का जो उद्देश्य है वो क्या है देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना भिन्न संस्कृति से परिचित करवाना विदेशी भाषा से परिचित कराना या फिर उपयुक्त सभी तब आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं डी और कुछ लोग बता रहे हैं सी तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी डी यानी कि उपरोक्त सभी बिल्कुल सही होगा जिन्होंने भी डी बताया है वो अपने नंबर में एक अंक का इजाफा कर लें अगला क्वेश्चन है बहुभाषिक कक्षा में समस्या है तो क्या समस्या है शिक्षक संबंधी छात्र संबंधी भाषा संबंधी या फिर उपरुक्त सभी तो उत्तर बताना है बहुभाषिक कक्षा में समस्या होती है तो क्या समस्या होती है जल्दी से बताएं उत्तर क्या होगा बहुत बढ़िया आंसर सभी लोगों ने आंसर बताया है कुछ लोग डी बता रहे हैं कि शिक्षक संबंधी भी होती है छात्र संबंधी भी होती है भाषा संबंधी भी होती है उपरोक्त सभी यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा ठीक है एक बहुभाषिक कक्षा में सभी प्रकार की समस्याएं होती हैं है ना अगला क्वेश्चन देख लो बहु सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए विकल्प एक मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए अभिव्यक्तियात्मक कौशल पर ही बल देना चाहिए परस्पर बातचीत करने के अधिकारिक अवसर देने चाहिए या फिर बच्चों को भासा, मानक भाषा मानक भाषा का प्रयोग करने के लिए कहना चाहिए तो प्रश्न क्रमांक नौ का उत्तर हमें बताना है और नौ का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों आपकी जो क्लास होती है रोज होती है ढाई बजे शिक्षा शास्त्र की शाम को साढ़े छः बजे आपकी क्लास होती है पर्यावरण की ठीक है और शाम को सात पंद्रह पर होती है बाल विकास की और दस बज के दस मिनट पर आपकी रात्रि में होती है हिंदी व्याकरण की तो जो भी जुड़ना चाहते हैं लाइव क्लासों से वो जुड़ सकते हैं तब आपका प्रश्न क्रमांक नौ का उत्तर होगा सी सी जिन्होंने भी बताया उनका बिल्कुल सही है परस्पर बातचीत करने के अधिकार एक अवसर देने चाहिए तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है बहुभाषिकता बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं स्वतंत्र शब्द को दस बार बोलिए सूर अस्त हो गया बाक को दस बार बोलिए लिखिए हिंदी पाठों में आए चिड़िया पुस्तक कुआ को आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए या फिर लठ शब्दों के हिंदी रूप कंठस्थ कीजिए तो आपको बताना है प्रश्न क्रमांक दस का उत्तर जो उत्तर आपका हो जाएगा बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं तब अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है वो बताया है सी बहुत बढ़िया आंसर सी नंबर बिल्कुल सही है आपका हिंदी पाठों में आए चिड़िया पुस्तक कुआ को अपनी भाषा में क्या कहते हैं वो बताइए तो सी नंबर बिल्कुल सही है नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है बहु सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए अति आवश्यक है तो क्या है परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसर निर्माण करना विद्यार्थियों को श्रवण व लेखन कौशलों के अधिकाधिक अवसर अध देना विद्यार्थियों को भाषण वा, लेखन कौशलों के अधिकाधिक अवसर देना या फिर लक्ष्य भाषा के विभिन्न भाषिक तत्वों का अधिकाधिक अभ्यास कराना तो दस का उत्तर बताना है सभी लोग उत्तर बताएंगे एक बहु सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षा है और इसमें भाषा शिक्षण के लिए अति आवश्यक है तो क्या आवश्यक है तब अधिकांश लोग उत्तर बता रहे हैं कुछ लोग सी बता रहे हैं और कुछ लोग बता रहे हैं ए तब आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न क्रमांक दस का होगा ए परस्पर बातचीत के अनेक अवसरों का निर्माण ए नंबर जिन्होंने भी बताया है उनका आंसर बिल्कुल भी सही हो जाएगा ठीक है ए नंबर वाले अपने स्कोर में इजाफा कर लें ए नंबर आपका सही है ठीक है बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन देखो भाषा के आधारभूत कौशल कौन से हैं हमेशा अर्जित किए जाते हैं सर्वथा पृथक हैं अंतः संबंधित होते हैं या फिर क्रमबद्ध रूप से चलते हैं तो प्रश्न क्रमांक ग्यारह का हमें उत्तर बताना है भाषा के आधारभूत जो कौशल होते हैं वो कैसे होते हैं अर्जित किए जाते हैं सर्वथा पृथक हैं या फिर अंत संबंधित होते हैं तब बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी लोगों का अधिकांश लोगों का तो आ ही रहा है शी नंबर जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल सही है अंतः संबंधित होते हैं अगला क्वेश्चन देख लो स्वाभाविक अभिव्यक्ति कल्पनाशीलता कौशल और सोच को विकसित करना भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है या फिर भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता तो प्रश्न क्रमांक जो हमारा बारह है स्वाभाविक अभिव्यक्ति कल्पनाशीलता कौशल और सोच को विकसित करना ये क्या है किस प्रकार से हमें बताना है चार विकल्पों के माध्यम से आप ए बी सी डी आप लिखते जाएंगे तब प्रश्न क्रमांक बारह का अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं कि भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बहुत बढ़िया सी नंबर आपका सही हो जाएगा स्वाभाविक अभिव्यक्ति कल्पनाशीलता कौशल और सोच को विकसित करना भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है यानी कि सी नंबर जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल राइट आंसर बताया है अगला क्वेश्चन भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जाते हैं भाषा के कौशल परस्पर अंत संबंधी हैं भाषा के कौशलों में से केवल पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है या फिर भाषा के कौशलों में से केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण है तब अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है तो इसका जो उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी बी नंबर जिन्होंने भी बताया उनका आंसर राइट है भाषा के कौशल परस्पर कैसे होते हैं अंत संबंधित होते हैं यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन ग्राहात्मक कौशल में शामिल है तो क्या है आपने पढ़े होंगे ग्राहात्मक कौशल सुनना बोलना बोलना लिखना सुनना पढ़ना या फिर पढ़ना लिखना तो प्रश्न क्रमांक चौदह का उत्तर हमें ए बी सी डी के माध्यम से बताना है तो ग्राहात्मक जो कौशलों में शामिल है वो कौन से कौशल शामिल हैं सभी को पता है कि एक बालक सबसे पहले सुनना सीखता है फिर बोलना सीखता है है ना फिर पढ़ना और फिर लिखना सीखता है तो ग्राहात्मक जो कौशल माने जाते हैं वो माने जाते हैं सुनना और पढ़ना सुनना और पढ़ना एक ग्राहत्मक कौशल कहलाते हैं यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो आपका सही हो जाएगा सी नंबर सभी लोगों को याद रख लेना है सी नंबर आपका सही होगा ठीक है हाँ सुनना और पढ़ना ये ग्राहत्मक कौशल है सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा अगला क्वेश्चन देख लो सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है प्रश्न क्रमांक पंद्रह का उत्तर हमें बताना है सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है तो कौन सा उचित नहीं है जल्दी से बताओ जो भी हिंदी पैरोगोलॉजी को विस्तृत पढ़ना चाहते हैं उनके वीडियो अलग से प्ले बनी है हिंदी को मैंने विस्तृत रूप से आठ या दस वीडियो में पढ़ाया है सभी लोगों को तो सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है कि सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है ए नंबर जो है ये उचित विकल्प नहीं होगा ये नंबर बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन देखो निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य है श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य तो कौन सा है श्रुत सामग्री के विषय के महत्वपूर्ण एवं मर्म स्पर्शी विचारों भावों एवं तथ्यों का चयन करने की क्षमता प्रदान करना विद्यार्थियों में ध्वनियों शब्दों का शुद्ध उच्चारण तथा स्वर्गति लय और प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता विकसित करना या फिर छात्रों को साहित्य गतिविधियों में भाग लेने व सुनने के लिए प्रेरित करना या उपरोक्त तो सभी तब प्रश्न क्रमांक सोलह का हमें बताना है कि कौन सा श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य है है बताना है यहां पर तो उत्तर क्या होगा इसका कुछ लोग ए बता रहे हैं और कुछ लोग बता रहे हैं डी तब आपका आंसर बिल्कुल सही होगा कौन सा डी नंबर डी नंबर बिल्कुल सही है ये सारे के सारे जो विकल्प हैं वो श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य है डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है यदि छात्र की खालिस्तान इंद्रियों में दोष है तो वह ना भाषा सीख सकता है ना अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर सकता है तो आपको बताना है कौन से कौशल में दोष है यदि छात्र की खालिस्तान इंद्रियों में दोष है तो वह भाषा सीख सकता है और ना अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकता है तब आपको बताना है पठन इंद्रियों में श्रवण इंद्रियों में दृष्ट इंद्रियों में या इनमें से कोई नहीं तो चार विकल्प हैं प्रश्न क्रमांक सत्रह का उत्तर हमें बताना है सभी लोग उत्तर बताएंगे तब आपका जो आंसर हो जाएगा अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है बी बी यानी कि श्रवण तो श्रवण आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल सही है यदि छात्र में श्रवण कौशल श्रवण इंद्रियों में दोष है तो ना वह भाषा सीख सकता है और ना अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर सकता है तब अगला क्वेश्चन देखेंगे श्रवण कौशल के शिक्षण के द्वारा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना या उपरोक्त सभी तो चार विकल्पों में से एक उत्तर बताना है श्रवण कौशल के शिक्षण के द्वारा निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है तो किस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है अठारह का उत्तर सभी लोग बताएंगे तब अधिकांश लोगों ने बताया है उत्तर उपरोक्त सभी तो बहुत बढ़िया बिल्कुल राइट आंसर है डी नंबर जिन्होंने भी बताया है वो अपने स्कोर में इजाफा करेंगे ठीक है बहुत बढ़िया आपको लास्ट में बताना है कि आपने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं और कितने नंबर आपके आए हैं और ये टेस्ट अपना रोज चलता है ढाई बजे से में से कौन सी शिक्षण विधि श्रवण कौशल के शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है तो प्रश्न क्रमांक उन्नीस का बताना है प्रश्नोत्तर सासुर वाचन भाषण या फिर ये सभी तब हमें बताना है कौन सी शिक्षण विधि है जो श्रावण कौशल के शिक्षण में श्रवाधिक उपयोगी है तो आपका चार विकल्पों के माध्यम से बताना है और जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं लगभग तीन हजार लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं और वो उनको पीडीएफ और व्यवस्थित वीडियो मिलते हैं और वो अपनी तैयारी कर रहे हैं कौन सी शिक्षण विधि श्रवण कौशल के शिक्षण में श्रवाधिक उपयोगी है तब आपका बिल्कुल डी नंबर सही होगा प्रश्नोत्तर भी है सास्वर भी है भाषण भी है तो डी नंबर बिल्कुल सही है अगला क्वेश्चन देखो परस्पर बातचीत मुख्यतः सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है पढ़ने लिखने में सहायक है समय की बर्बादी है या फिर अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है तो परस्पर जो बातचीत है वो क्या करती है बीस का उत्तर बताना है चार विकल्पों में से एक का चयन करना है सभी लोगों को और एक का चयन करके आपको बताना है कि परस्पर जो बातचीत है मुख्यतः है ये यानी कि सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है ये नंबर आपका बिल्कुल आंसर सही होगा अगला क्वेश्चन देखो मौके मौखिक व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए स्वाभाविकता स्पष्टता बोधगम्यता या फिर ए सभी ट्वेंटी वन का आंसर बताना है और हमें बताना है कि मौखिक अभिव्यक्ति में कौन सी विशेषता होनी चाहिए तब चार विकल्प में से एक का चयन सभी लोग करेंगे उत्तर क्या होगा 21 का उत्तर और 21 का आपका आंसर होगा डी यानी कि स्वाभाविकता भी होनी चाहिए स्पष्टता भी होनी चाहिए और बोधगम्यता भी होनी चाहिए तो डी नंबर वाले बिल्कुल सही हैं अगला क्वेश्चन देख लो निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का, का महत्व तो नहीं है रोजमर्रा के कार्यकलापों में मौखिक भाषा प्रयुक्त तो होती है या फिर आपको बताना है भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से प्रारंभ होती है मौखिक भाषा के द्वारा नई नई जानकारियां मिलती हैं भले ही व विचारों के आदान प्रदान में सहायक नहीं हो, या फिर अशिक्षित व्यक्ति बोलचाल के द्वारा ही ज्ञान अर्जित करता है तो चार में से एक का चयन अच्छे से आपको प्रश्न को पढ़ना है विकल्पों को पढ़ना है कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का, का महत्व तो नहीं है बताना है तो नहीं है तो कौन सा नहीं है सभी लोग उत्तर बताएंगे कौन सा नहीं है तब जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा सी सी यानी कि मौखिक भाषा के, के द्वारा नई नई जानकारियां मिलती हैं भले ही वह विचारों के आदान प्रदान में सहायक नहीं हो तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा सी नंबर जिन्होंने भी बताया है उनका राइट आंसर होगा सी ठीक है एक नंबर का इजाफा कर लें अपने स्कोर में सी वाले अगला क्वेश्चन है बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो क्या है बोलने की तेज गति शुद्ध उच्चारण समझकर बोलना या आंखों देखा वर्णन करना तो 23 का आंसर सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा आपका आंसर चार विकल्पों में से एक चयन सभी को करना है और एक जो आपका उत्तर होगा चार में से एक ही आपका उत्तर होगा और अधिकांश लोग बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं क्या बता रहे हैं कि जो बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है समझकर बोलना समझकर बोलना यानी कि सी नंबर आपका सही होगा ठीक है सी नंबर आपका सही है यहां पर हम पठन नहीं कर रहे पठन कौशल में अगर बात होती तो अपन उच्चारण शुद्ध उच्चारण की बात होगी और जब हम बोलने की बात हो रहे हैं तो समझ कर बोलना यानी विकल्प नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा और सी में टिक किया है जिन्होंने वो अपना प्रश्न इतने ही सरल आते हैं लेकिन कुछ प्रश्न हैं जो आप गलत कर देते हैं तब अगला प्रश्न देखो प्रश्न क्रमांक चौबीस है अपना मौके मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए शुद्धता प्रवाहता श्रोताओं से काफी उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग या फिर अवसरानुकूल तो मौके कभी व्यक्ति में कौन सी विशेषता नहीं होना चाहिए तो सभी लोग उत्तर बताएंगे प्रश्न क्रमांक ट्वेंटी फोर है और ट्वेंटी फोर का जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा ए बी सी डी इस प्रकार से सभी लोग लिखेंगे और वीडियो को लाइक सभी लोगों को करना है कुछ लोग वीडियो को लाइक नहीं कर पाते क्यों नहीं कर पाते चौबीस का उत्तर आपका होगा सी यानी कि श्रोताओं से काफी उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग यानी सी नंबर आपका सही होगा ठीक है सी नंबर बिल्कुल भी राइट है जिन्होंने भी सी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है तब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है भाषिक संरचनाओं का अभ्यास अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता का विशेष ध्यान देना या फिर विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री या पाठ पुस्तक में दिए गए अभ्यास तो बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है ए हमें बताना है सभी लोग बताएंगे बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है ट्वेंटी फाइव का आंसर बताना है और ट्वेंटी फाइव का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा तो अधिकांश लोग बता रहे हैं सी और इसका उत्तर होगा बी सबसे जो महत्वपूर्ण है पठन कौशल में अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना देखो हमने अभी मैंने बताया था आपको कि यार अगर आप पठन कर रहे हो तो शुद्ध उच्चारण होनी चाहिए अगर आप बोल रहे हो तो अर्थ मतलब सोच समझ कर बोलना चाहिए है ना तो बी नंबर जिन्होंने भी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है अगला क्वेश्चन है पढ़ना कौशल में खाली स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो क्या है उच्चारण की शुद्धता अर्थ ग्रहण करना लिपि चिन्हों की जानकारी या द्रुत गति से पढ़ना तो 26 का आंसर बताना है हमें तब आपका आंसर क्या होगा पढ़ना कौशल में स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो क्या महत्वपूर्ण है 26 का सभी लोग बताएंगे और सभी लोगों ने जो आंसर बताया है 26 का वो बिल्कुल राइट बताया है बी अर्थ ग्रहण करना यानी बी नंबर आपका सही हो जाएगा ठीक है बी नंबर आपका सही है सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है अर्थ ग्रहण करना ठीक है उच्चारण की शुद्धता तो आपकी होनी चाहिए अर्थ ग्रहण करना भी सबसे महत्वपूर्ण है तो बी नंबर आपका सही होगा ट्वेंटी सिक्स का ठीक है जिन्होंने भी बी बताया है वो अपना इजाफा करें एक नंबर का अगला क्वेश्चन देखो पाठ वस्तु का भावपूर्ण पठन है तो कौन सा है पाठ वस्तु का भावपूर्ण पठन पठन की पहली और अनिवार्य शर्त है अर्थ को समझने में मदद करता है या केवल कविताओं पर ही लागू होता है या पठन का एकमात्र आदर्श रूप है ट्वेंटी सेवन का हमें उत्तर बताना है सभी लोग उत्तर बताएंगे सभी लोगों को उत्तर बताना पाठ वस्तु का भावपूर्ण पठन कौन सा है तो चार विकल्पों में से एक का चयन करना है तब अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं क्या बता रहे हैं देखते हैं इसका उत्तर उत्तर होगा बी यानी को अर्थ को समझने में मदद करता है और बी नंबर जिन्होंने भी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है और वो अपना प्लस जो है एक नंबर कर लें अपने स्कोर में है ना क्वेश्चन बिल्कुल सरल आते हिंदी पैडोगोजी के सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है जब हम प्रश्न को अच्छे से पढ़ते नहीं हैं एक गलती तो यही होती है कि पूछा क्या गया है नहीं पूछा गया है या फिर हाय पूछा गया है एक गलती तो सबसे पहले यही होती है सबसे तो हमें अच्छे से प्रश्न को सबसे पहले पढ़ना है और पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है कि बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य किया जाए बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए या फिर बच्चों को बोल बोल कर पढ़ने के लिए निर्देश दिए जाएं, तो चार विकल्पों में से एक उत्तर बताना है कि पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए क्या जरूरी है तो आंसर क्या होगा सभी लोग अच्छे से आंसर देखें सोच समझ के आंसर देना है ताकि गलत ना हो और यही आदत जो है जब आप सोच समझ कर उत्तर देते हैं और यही आदत आपकी विकसित होती है तब आप पेपर करने जब जाते हो तब भी आपकी यही आदत होती है जो आपको फायदा दिलाने वाली होती है और ट्वेंटी वन का ट्वेंटी एट का उत्तर होगा बी यानी कि बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध करवाई जाए बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा बी नंबर ठीक है अगला क्वेश्चन देख लो आप सासुर पठन में अनिवार्यतः किस साहित्य विधा का समर्थन करेंगे ट्वेंटी नाइन का उत्तर बताना है सभी लोग बताएंगे आप सासुर पठन में अनिवार्यतः किस साहित्यिक विधा का समर्थन करेंगे एकांकी का यात्रा वृतांत का जीवनी का या फिर आत्मकथा का, का तो सासुर पाठन हो रहा है और अनिवार्यतः किस साहित्यिक विधा का हमें समर्थन करना है सास्वर वाचन में तो उत्तर क्या होगा तब अधिकांश लोग कुछ लोग ए बता रहे हैं और कुछ लोग बी बता रहे हैं और आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए ए मतलब एकांकी एकांकी जिन्होंने भी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है आप सासुर पठन में अनिवार्य साहित्यिक विधा का समर्थन करेंगे तो एकांकी का करेंगे यानी विकल्प नंबर जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है ठीक है मौन पठन में है शब्द भंडार विकसित किया जाता है मन ही मन बुदबुदाते हुए पढ़ा जाता है गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है या फिर तेज गति से पाँच को पढ़ा जाता है तो प्रश्न क्रमांक तीस का उत्तर हमें बताना है कि मौन पठन में मुख्यतः कैसे पढ़ा जाता है सभी लोगों को बताना है और आपका जो आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक थर्टी का बहुत बढ़िया आंसर सी नंबर जिन्होंने भी उत्तर बताया है वो बिल्कुल सही है जब हम मौन पाठन करते हैं तो गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं यानी सी नंबर जिन्होंने भी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है अगला क्वेश्चन देख लेंगे एकांकी एक पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है क्या है थर्टी वन का उत्तर हमें बताना है अभी हमने पढ़ा था कि सास वाचन के लिए हम जो सही मानेंगे वो एकांकी एक विधा को मानेंगे तब हमें बताना है कि एकांकी एक पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए जाएं और फिर एकांकी एक का मंचन हो एकांकी एक को बच्चे घर से पढ़कर कर और कक्षा में शिक्षक सवाल पूछें शिक्षक स्वयं पढ़ते हुए सवाल पूछते जाएं या फिर शिक्षक स्वयं पढ़ें और बच्चे सुनें तो चार विकल्प में से थर्टी वन का उत्तर हमें बताना है तब आपका जो उत्तर होगा क्या होगा बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए जाएं और फिर एकांकी का मंचन हो तो एकांकी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ए नंबर आपका सही हो जाएगा जो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है शब्दों एवं वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चरित करना केवल अक्षर पहचानना तेज गति से पढ़ना या संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना तो थर्टी टू का उत्तर सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या होगा तो पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना है ना यहां पर आपको क्वेश्चन को समझना है क्वेश्चन का कई बार पूछा जाता है महत्वपूर्ण है कई बार पूछ लिया जाता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है वैसे बहुत सारे ऐसे बिंदु होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन जब आपका जोर दिया जाता है कि जो तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तब आपको थोड़ा सा समझना है और डी नंबर आपका सही हो जाएगा संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना यानी विकल्प नंबर जो डी है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा ठीक है शब्दों एवं वाक्यों का शुद्ध उच्चारण ये सबसे कम होगा लेकिन सबसे ज्यादा संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना यानी डी आपका सही होगा अगला क्वेश्चन देखें एकांकी एक की पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं थर्टी थ्री का उत्तर सभी लोग बताएंगे सभी को बताना है एकांकी एक की पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं बाक संरचना की जानकारी अभिनय की कुशलता लेखन कौशल का विकास या फिर संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना तो एकांकी एक पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं तब चार विकल्प बताना है थर्टी थ्री का आंसर बताना है और आपका जो उत्तर अधिकांश लोग बता रहे हैं कि एकांक मुख्यतः किसमें सहायता करता है करते हैं तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा डी यानी कि संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना बिल्कुल सही है डी नंबर जिन्होंने भी बताया है, उनका आंसर बिल्कुल सही है और एक नंबर उनका प्लस हो जाएगा तब अगला क्वेश्चन देखो निम्न में से कौन सा पठन कौशल का उद्देश्य है तो कौन सा है बालकों के स्वर में आरोह अवरोह का ऐसा अभ्यास करा दिया जाए कि वे अवसर भावों के अनुकूल स्वर में लोच देकर पढ़ें। बालकों को वाचन के माध्यम से शब्द ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान कराया जाता है वाचन की इस कला से छात्र मोह व जिब्हा के उचित स्थान से ध्वनि उच्चरित करते रहेंगे वाचन से अक्षर उच्चरित ध्वनि बल निर्गम सा आदि को सम्यक संस्कार प्राप्त होता है या उपरोक्त सभी तो कौन सा पठन कौशल का उद्देश्य है तो सभी लोगों ने बिल्कुल बही वाली ट्रिक अपना दी है कि जहां उपरोक्त सभी आए उपरोक्त सभी लगा दो आंखें मीच कर है ना तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा चौंतीस का जिन्होंने भी डी बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर है ठीक है तब अगला क्वेश्चन अपन देख लेंगे अगला क्वेश्चन क्या है साथियों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पठन सामग्री त्रुटि नहीं है तो कौन सी पठन संबंधी त्रुटि नहीं है पठन संबंधी त्रुटि हमें बताना है कौन सी नहीं है अशुद्ध उच्चारण वाचन में सम्यक गति अटक अटक कर पढ़ना भावानुकूल आरोह अवरोह का अभाव तो हमें प्रश्न को पढ़ना है यहीं से गलती होती है हम पढ़ लेते हैं डायरेक्ट नहीं को भूल जाते हैं तो पठन संबंधी त्रुटि नहीं है तो कौन सी नहीं है नहीं है बताना है हमें थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो तब अधिकांश लोग बता रहे हैं डी और वही आपने गलती कर दी पढ़ने वाली और मैं आपको बताता जा रहा हूं कि आपको प्रश्न को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है कुछ लोग डी बता रहे हो कुछ लोग बी बता रहे हैं जो लोग डी बता रहे हैं उनको देखो कि उन्होंने क्या पढ़ लिया है तो नहीं पढ़ लिया कौन सी पठन संबंधी त्रुटि नहीं है देखो अशुद्ध उच्चार त्रुटि है अटक अटक कर पढ़ना त्रुटि है भावानुकूल आरोह अवरोह का भाव त्रुटि है लेकिन वाचन में सम्यक गति त्रुटि नहीं है तो बी नंबर आपका सही होगा जिन्होंने भी बी बताया है अगला क्वेश्चन देख लो अगला क्वेश्चन है सासवर वाचन में निम्नलिखित में से किस पर सबसे कम ध्यान दिया जाना चाहिए थर्टी सिक्स और लास्ट क्वेश्चन है सभी लोग अच्छे से बताएंगे और इसके बाद आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्न अटैम्प्ट किए हैं और उसके बाद कितने अंक आपने हासिल किए हैं बिल्कुल सरल क्वेश्चन थे और इसी प्रकार का लेवल आता है पेडोगलॉजी में कठिन बिल्कुल भी नहीं आता वाचन में निम्न में से किस पर सबसे कम ध्यान दिया जाना चाहिए थर्टी सिक्स का है ना यहीं पर कंफ्यूज आपको किया जाता है जो आपको पता होता है कि हाँ ये तो मुझसे हंड्रेड परसेंट बढ़ रहा है लेकिन आपका हंड्रेड परसेंट में से गलत हो जाता है तो सासुर वाचन में निम्न में से किस पर सबसे कम ध्यान देना दिया जाना चाहिए तो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल आंसर सही बताया है बताया है सी यानी स्थानीय बोलियों का प्रभाव तो सी नंबर जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल आपका बिल्कुल सही है ठीक है सभी के आंसर सी नंबर आए हैं सी नंबर जिन्होंने भी बताया उनका प्लस होता हुआ स्कोर है ना और सभी लोग फटाफट से अब अपने अपने नंबर बता दें कि प्रश्न क्रमांक छत्तीस तक हमने पूरे किए हैं छत्तीस और छत्तीस में से आपको जो नंबर मिले हैं वो कितने नंबर मिले हैं सभी लोग ईमानदारी से बताएंगे अपना आकलन किस किसने किया है सभी को बताना है छत्तीस में से तीस मिले हैं अंजना मिश्रा जी को है ना अमृत लाल जी को छत्तीस में से तीस मिले हैं है ना और छत्तीस में से तेतीस मधुराज जी को और तेतीस में से छत्तीस मधुराज डबल कमेंट कोई नहीं करेगा भव्य जी को तेईस मिले छब्बीस से छत्तीस से छत्तीस मिले हैं पुष्पेंद्र झा बहुत बढ़िया आंसर चौंतीस से 33, छत्तीस में से चौंतीस तीस मार्क्स है ना? और छत्तीस में बत्तीस पैंतीस से 28, छत्तीस से 33, बत्तीस तीस 31 छत्तीस से चौंतीस जी बहुत बढ़िया अंजना जी और स्मृता जी छत्तीस से सत्ताईस हंसराज सैनी के तैतीस तैतीस अरविंद धाकड़ जी के छत्तीस से इकतीस अरविंद जी बहुत बढ़िया है ना ब्रजभूषण जी छत्तीस से अट्ठाईस हैं सतीश जी शैलेंद्र जी पुष्पेंद्र जी के बहुत बढ़िया धन्यवाद पुष्पेंद्र जी के छत्तीस में से छत्तीस हैं और मानव जी के छत्तीस में से बत्तीस पंद्रह में से तेरह विनोद जी के हंसराज जी के तैतीस से अनिल जी केवट छत्तीस से अट्ठाईस शिवम जी छत्तीस से उनतीस रोहित जी छत्तीस इकतीस से छब्बीस प्रीति जी डी है ना शहीद जी साहिद जी बहुत बढ़िया छब्बीस से बीस और मोहम्मद जी 36 से 25 हैं निर्भय जी 36 में से 32 हैं 36 में से 30 अभिलाषा सतीश जी है ना प्रीति जी 36 से 30 हैं कैलाश जी मनोज जी बहुत बढ़िया पुष्पेंद्र जी बीनेश जी पूजा जी पुष्पेंद्र जी नीरज जी नीलू जी शैलेंद्र जी हंसराज मधुराज जी अमृतलाल जी बहुत बढ़िया अधिकांश लोगों के जो नंबर आए हैं बिल्कुल सही आए हैं किसी के चार गलत हुए हैं किसी के तीन गलत हुए हैं किसी के पांच गलत हुए हैं है ना ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों ने बताया है और इसी तरह से अभ्यास करते रहो तब आपको वो हैबिट हो जाएगी ये गलतियाँ भी कैसे हुई हैं मुझे पता है प्रश्न में या तो कन्फ्यूजन या फिर प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ा ये दो तीन चार जो गलतियां सभी की हुई हैं वो इसी प्रकार से हुई हैं लेकिन बन तो सभी से रहा है मैं सारे के सारे, के सारे कमेंट देखता हूं सभी के कौन गलत बना बता रहा है कौन सही बता रहा है सुरेंद्र अहरवाल कैलाश साहू जी पूजा जी मधुराज जी भव्या जी बहुत बढ़िया सभी को धन्यवाद वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे शाम को साढ़े छः बजे फिर से अपना जो है पर्यावरण से संबंधित टेस्ट होगा पर्यावरण को हम पढ़ेंगे तो शाम को साढ़े छः बजे जितने भी लोग पर्यावरण को पढ़ना चाहते हैं वो साढ़े छः बजे आएंगे सात पंद्रह पर अपने रोज़ होता है बाल विकास तो वो पढ़ेंगे और रात में दस बज के दस मिनट पर आपकी होती है हिंदी तो हिंदी भी पढ़ लेंगे ठीक है बिनीश जी नीरज जी सुरेंद्र जी नीरज जी सभी को धन्यवाद वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे और ठीक है बहुत बढ़िया कीर्ति तिवारी जी मानव कुमार जी सभी को धन्यवाद और वीडियो को सभी लोगों को शेयर भी करना है स्मृता जी मैथ की पैडोगॉजी जो है अधिकांश मैंने सिलेबस के आधार पर बहुत सारे टेस्ट करवा दिए उसकी प्लेलिस्ट देखो और भी इसकी अपन चालू करेंगे मैथ की अभी थोड़ा सा कंप्लीट हो जाने दो तो थोड़ा थोड़ा जो सभी सब, सभी सब्जेक्ट हैं है ना जहाँ तक आपका जो है कॉन्फिडेंस आ जाए आप लोगों के अंदर फिर थोड़ा थोड़ा सा और अपन इसमें बढ़ाएंगे है ना चाहे वो हिंदी पैडागोजी हो गणित पैडागोजी इस प्रकार से सभी सब्जेक्ट हो जाएं उसके उसके बाद जो है अपन और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे प्रीति जितेंद्र है ना ब्रजभूषण जी हंसराज जी सभी को जय हिंद सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करना है ठीक है जय हिंद